छोड़ो। नहीं नहीं, हमेशा ऐसे छोड़कर चली जाती हूँ, मुझे नहीं छोड़ना। प्लीज छोड़िए, सब सब देख रहे, प्लीज छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? हाँ बोलो ना। आप छोड़िए सर, आप सीन क्रिएट कर रहे हो सर, मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस नहीं, मैं सॉरी सॉरी, मैं मेरी नहीं लेके जा रही हूँ, मैं लेकर जा रही हूँ। आप क्यों थी शराब? तुम भी मुझे डांट रही हो। पहले इसने सुना, उसके बाद ये मैनेजर ने धमकी दी, और तुम अब मुझे। मैंने क्यों पी मैंने? अरे गुस्से में था इसलिए पी ना मैंने। तुम्हें तो हमेशा रहते, मतलब हमेशा शराब पीएंगे। इसे पहले कब पी मैंने? अभी क्यों पी? क्यों पी? आप बताएंगे मुझे क्यों इतनी पी? तुम नहीं, मिस कर रहा था ना मैं। तुम माफ की हो, उसके बाद चली जाती हो, लेकिन जब तुम्हारी याद आती है ना, तो वो नहीं जाती। उसे भुलाने के लिए मैंने ये शराब पी है, और इस ढक्कन की वजह से पी है मैंने शराब। मैंने कहा था इससे कि मुझे तीन ड्रिंक्स के ऊपर मत। हर तीसरे दिन में कहता है कि सर दिस इज योर सेकंड, चीयर्स चीयर्स। मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे पता है किसकी गलती। देखो हमेशा हर गलती में तुम मुझे छोड़ कर जाती हो, इस गलती में मुझे छोड़ कर मत जाना प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाना। अब चलो, तुम कहीं नहीं जाओगी मेरे पास। प्लीज प्लीज प्लीज, सही रह सकते हो तुम? अब बाहर चलिए प्लीज। नहीं बाहर, बाहर दुश्मन जवान है, वो लोग ना हमें मिलने देते ना बात करने देते, हम यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, मेरी बात मेरी बात मेरी बात, कोई दुश्मन नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कोई अलग नहीं करेगा। हम सच पक्का पक्का, अब चलिए मेरे साथ। मैं हूँ आपके साथ। चलो सॉरी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुम्हारी मॉम ने, किसी और के पास भेज दिया, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। I was fooled by that middle class woman. और मैं चाहती हूँ कि तुम लाइफ में कभी भी ये गलती ना करो रिया, कभी भी उनके बहकावे में मत आना। उनमें एक अलग जुनून होता है कि जो उन्हें चाहिए वो हासिल करके रहते। क्लीन प्लान है, मैं प्राची को कुछ पता नहीं चलेगा तो फिर चक्स को कैसे पता चलेगा, और तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कि कब ये सब काम हो गया। मेरी जिंदगी बर्थडे गर्ल, यू आर अ स्पेशल गर्ल टू। ठीक है, आज तुम जल्दी घर जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम तो ठीक हो, पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है, बेचारा बाहर वेट कर रहा है पता कब से, तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता है। अगर तुम मना कर दोगी तो मैं चला जाऊंगा उसके साथ। तुम मेरे बारे में सब जानते हो ना? ऑफ कोर्स जानता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम द बेस्ट। थैंक यू सो मच, ये बेस्ट बर्थडे था एवर, मैं कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू, डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। Thank you so much Thank for everything. You. Have fun. It's your day. It's your big day. Make it count. And God bless you. Thank you. Hi, Dad. और Dad, हमारी जो birthday girl है आज थोड़ा जल्दी जाएगी office से. Please, इस पे boss गिरी मत दिखाना please. इसका boyfriend wait कर रहा है. आप इसकी office है. जब मर्जी चाहे आओ, मर्जी चाहे जाओ. कहाँ कहाँ रुका है? Thank you, sir. Have a good day. Thank you. Super. Thank you. Bye, bye, thank you so much. Bye, see you soon. ये नहीं, चल। क्या नहीं है? ये नहीं है, अभी ऑफिस में नहीं है, वो गई। अच्छा। मैं भी जा रहा हूँ। क्यों?
आपकी गर्लफ्रेंड बाहर वेट कर रही है आपका, क्यों जाना आपका? मार खाएगा सबके सामने समझे? पापा इज्जत है आपकी बेटी की कुछ? घर पे चलो, घर पे चलो, ज्यादा देर तक काम नहीं करना, ठीक है? देर रात तक आ रहा क्या है? तेरे दिल की धड़कन की मुझे फिक्र हो रही है। आपको होनी भी चाहिए, आप ही का बेटा हूँ, किसी और का तो हूँ नहीं, थोड़ी फिक्र कर ही लो लाइफ में। तू घर पे मिल, घर पे मिल। आता हूँ। अरे रात भर यही नाचना है क्या? अरे घर पे भी महफिल जमा यार, घर भी है तुम लोग का। चलो चलो, घर पे जाना है, फिर कल वापस आना है, तुम्हें यही रहना है। आता हूँ बाद में। आना है ना? ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा, सी यू, बाय, गुड नाइट। आराम से, आराम से। सालों से पता है आपको? हाँ, हाँ, आपको क्या? हाँ, तुम्हें? हाँ, आइए, उठिए उठिए। अरे हम बाहर हैं, घर पे। अरे आराम, सुनिए मैम, मैम ही आपका पर्स अंदर रह गया था। हाँ, थैंक यू। वेलकम मैम। सुनिए ना, उठिए उठिए, अब तो बेहोश हो गए। पूरब, पूरब को फोन करती हूँ। मैंने दिशा के फोन पे प्रज्ञा का नाम देखा, फिर आज उसे ऑफिस में देखा, और अब वो पूरब को भी फोन कर रही। मुझे डर था कि ये कहीं हमारी लाइफ में वापस ना आ जाए, पर ये तो ऑन द वे है, पूरी कोशिश कर रही है वापस इस घर में आने की, जो कहानी जहां छोड़ी थी वहीं से शुरू करने की। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसके वापस आने की कोशिश कोशिश ही रह जाएगी। पूरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या करूं? पहले फोन नहीं उठा रहा था, अब फोन लग ही नहीं रहा। इस हालत में कहां लेकर जाऊं इन्हें? घर पे ले जाती, लेकिन घर पे प्राची है, और प्राची पहली बार अपने फादर से ऐसे नहीं मिल सकती। क्या करूं? ऐसी हालत में ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकती ना। घर ही ले जाती हूँ, संभाल लूंगी सिचुएशन को, और प्राची और इन्हें एक दूसरे के सामने नहीं आने दूंगी। टैक्सी! तुम जो उनके बारे में बोल रही हो ना, वो सही नहीं है। यू डोंट नो, बट शी इज अ रियली रियली नाइस वुमन। नींद नहीं आ रही, कम है। I'm sorry, don't cry। मुझे तुम्हें वो सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। इतनी बड़ी बड़ी बातों के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, नहीं बोलना चाहिए था मुझे। I'm really sorry. It's not your fault. मुझे बात अभी पता चलती या कल पता चलती, उससे झूठ सच तो नहीं हो जाएगा ना बूची? सच सच रहेगा, है ना? How does it matter anymore? My mother, she did so many wrong things. Her dad, dad आज भी उनकी साइड लेते हैं। I mean, he still have this soft corner for that woman. तुम्हें कैसे? तुमने कहीं भाई से बात तो नहीं की ना रिया? तुमने भाई को बताया तो नहीं कि मैंने? मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ बात छेड़ी थी कि उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया और वो मुझ पे हाथ उठाने वाले थे। भाई मुझ पे भी गुस्सा करेंगे, उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताया। इट्स ऑल माय फॉल्ट। नो नो, मैंने उनको नहीं बताया कि आपने मुझे कुछ बताया। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग। सब ठीक है, आप चिंता मत करो। And आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप सिर्फ मेरे लिए चाहती थी अच्छा। I love you,
You're the best coach in this whole wide world. And you're my life. तुम जानती हो रिया, जब तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर गई थी ना, उस दिन से पागलों की तरह तुमसे प्यार किया. You mean everything to me. And always remember that कि तुम्हारी बूजी हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ी होगी. You're mine and you're our blood. I love you, sweetheart. Never ever cry. Come here. रणवीर, रो आमिया. आर्यन, आर्यन. हाँ, ब्रीफकेस भी लेके आया हूँ. सुन, की मेकर का आया. हाँ भाई, वो आ रहा है, पीछे ही है. वेरी गुड, बहुत अच्छा. क्या गुड गुड, चोरी करवा रहे हो उससे तुम? तुम्हें यहाँ से निकलना ही निकलना. निकलना है, लेकिन यहाँ से निकल के पुलिस स्टेशन नहीं जाना, अपने घर जाना है. तुम ना सच्ची. क्यों सच्ची? क्यों सच्ची? क्यों सच्ची? अरे प्राची यार, तुम लोग दोनों अभी लड़ो मत. एंड प्राची, डोंट वरी अबाउट मी. इनफैक्ट मेरे को बहुत मजा आया है यार. और वैसे भी वो जो की मेकर है ना, शिव का भक्त है. अरे मैं उसको ऐसे पटा लूंगा. सुना तुमने, कह रहा है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है उसे ये काम करके. आज ये चोरी कर रहा है, कल कोई बड़ी चोरी करेगा उसमें भी उसे मजा आएगा. क्यों? क्योंकि तुमने उसे कहा था तुम्हारी संगत ही गलत है. अरे यार, तो उसका खुद का दिमाग नहीं है क्या? जब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो वो अपना दिमाग क्यों चलाए? छोटा है ना तुमसे, तुम्हारी हर बात सुनता. तुम्हारे जैसा रोल मॉडल ना, मतलब सारे गलत काम सिखाओ उसको, उसको नहीं है तुम्हारे. तुम भी कमाल हो यार, ऐसी पैनिक सिचुएशन में तो मुझे अभी भी चिक 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 कर रही हो यार. खुद हेल्प नहीं कर रही हो कुछ. चिक चिक चिक, सही नाम रखा तुम्हें. चिक चिक, ये ले भाई, ये ले. अगला ले. चाबी वाले भैया. हाँ चाबी वाले भैया. हाँ मैं रणबीर हूँ. मैं यहाँ पे अपनी एक एम्प्लॉय के साथ फंस गया हूँ, लॉक हो गया हूँ गलती से. और आपके जो ये बगल में खड़ा है ना, ये मेरा भाई है. कोई हम कोई चोर वोर नहीं है, सच्ची बताऊँ तो. आप चाहें तो मैं आपको अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दे सकता हूँ. आपको देख के तसल्ली कर लीजिएगा आराम से. प्लीज प्लीज प्लीज, आप हमें खोल दीजिए. समझा गरीब, प्लीज हेल्प मी. हाँ मैं दरवाजा खोलूंगा, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद खोलूंगा. आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं. मेरे साथ एक फीमेल है, और अगर देर हो जाएगी, उनके घर पे कोई ना कोई वेट कर रहा है उनका. और देखिए, कोई गलत बात नहीं है पुलिस को कॉल करना, मैं समझ रहा हूँ. लेकिन पुलिस वाले आएंगे, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो वो बेचारी यहाँ रुक जाएगी. समझिए ना प्लीज, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है. हाँ वो सब मुझे पता है, इसमें बहुत रिस्क है. ठीक है भाई साहब, आपको जो सही लगे आप करिए, ठीक है. पर आप एक बार जाते जाते ये लड़की की एक स्टोरी सुनते हुए जाइए. आपको पता है इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है. उस बॉयफ्रेंड को लगता है कि मेरा और इस लड़की का चक्कर चल रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है. अगर ये बेचारी पहुंच नहीं पाएगी टाइम पे घर पे, तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा सर. हाँ यकीन हो जाएगा. और उसको, और आपको पता है सर क्या, वो आदमी इससे शादी तोड़ देगा. शादी तोड़ देगा उससे. चारी कुआरी रह जाएगी अकेले. ये तो नहीं चाहते होंगे ना, है ना. देखिए आपको पता है ये उसको बदनाम भी कर सकता है. हाँ बदनाम कर सकता है. तो इस बेचारी की उससे शादी, तो क्या इसी लड़के से उसकी शादी नहीं हो पाएगी सर. देखिए मैंने इस बेचारी को समझाया, लेकिन ये मान नहीं रही है. ये रो रही थी, और पता है आपको क्या बोल रही थी रोते रोते? ये बोल रही थी कि हे शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है भाई तुम्हें. हे शिव जी, प्लीज आपके लिए मैंने जो सारे व्रत रखे थे, सारे व्रत रखे, प्लीज इसकी लाज रखे. किसी ऐसे इंसान ऐसे भक्त को भेज दीजिए जो आके इसको बचा ले. मैं बोलता रहा, मैं बेचारी को समझाता रहा कि आज के टाइम पे कोई सच्चा भक्त नहीं होता सर. पर बेचारी मान नहीं रही है अब सर. पर आपकी मर्जी है, आपने पूरी स्टोरी सुन ली है इस लड़की. जो आपका मन है वो करिए, चाहे बर्बाद हो जाए इसकी जिंदगी, इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए. पर सर आप अपने उसूल मत चेंज करिएगा. आप ना पुलिस वालों को इन्फॉर्म करके ही रहिएगा प्लीज. आप परेशान मत होइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा. मैं भी शिव जी का भक्त हूँ, सच्चा भक्त हूँ शिव जी का. और मैं खोलूंगा दरवाजा. जिस लड़की ने शिव जी का व्रत रखा है, मैं उसका व्रत जाया नहीं करूंगा. मैं अभी खोलूंगा, आपकी शादी होगी. रुको. क्या कर रहे हो? वो बेचारा शिवजी का भक्त है, उसकी आस्था के साथ खेल रहे हो. शट अप. मैं मैनेज कर रहा हूँ ना. हाँ मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर रहा हूँ ना. तुम्हारे दिमाग में कोई बेहतर आइडिया है? अगर है तो करो. पर वैसे भी माना तुमने व्रत नहीं रखा, माना तुम्हारा एक शक्की बॉयफ्रेंड नहीं है, पागल संघ की बॉयफ्रेंड नहीं है, पर कोई तो है ना जो तुम्हारा घर पे वेट कर रहा है. लेट हो जाओगी तो टेंशन होगी ना. और वैसे भी अगर तुम झूठ बोल के कुछ चीज करो या सच बोल के कुछ चीज करो, मैटर करता है कि एंड में रिजल्ट क्या है.
खुल गया। हाँ। तूने आज जान बचा ली यार, तू ही मेरा सच्चा भाई है, बता तेरे को। थैंक यू सो मच आर्यन। यू वेलकम, यू ओके राइट? तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलेगा। नहीं भूल जाऊंगा। सच में आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और ये मेरी आईडी, थैंक यू सो मच। मैं यही काम करता हूँ, मैं बॉस का बेटा हूँ। आप ठीक है? जी। घबराना मत, भगवान ने चाहा तो आपकी शादी उसी लड़के से होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। अभी आप एक काम कीजिए, ये लीजिए आपके पैसे, ये आपका नाइट चार्ज, और ये आप टिप रख लीजिए, और आप चलिए, मैं आपको वहीं छोड़ता हूँ जहाँ से आपको लेके आया। मैं ठीक है, कहा ना सब मैनेज कर लूंगा, घर चले प्लीज। आफ्टर यू। हेलो, बताओ ना कौन है वो आदमी? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगी। शाना, ओके, वन सेकेंड। मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगी, चाहे तुम्हारे पेट में कितना भी दर्द हो। ये पेट दर्द वाली बात तुम्हें कैसे पता? पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पूरी दुनिया को ये नहीं पता चलना चाहिए जो मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगी, बोलो। वो आदमी, वो आदमी मासी उसे जानती है। अच्छा, तो मुझे बेवकूफ समझते हो? अब मासी के रूप में अगर वो आदमी सोया है तो मासी तो उसे जानती होगी ना। अब कोई चोर तो होगा नहीं जो चोरी करने आएगा। मासी ने कहा होगा, अरे चोर, तुम चोरी करके थक गए होगे, चलो सो के नहीं जाते थोड़ी देर? वो कहीं प्राची के पापा तो नहीं? हाँ वो ही होंगे। कौन ऐसे कौन आ सकता है मासी के रूम में? मुझे प्राची को बताना ही होगा। शाना, ना? तुम्हें लगता है ना तुमने पुराने वाले घर में मेरे साथ बहुत गलत किया। हाँ, तो वो मैंने सॉरी भी बोला था तुमको। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छे से माफ कर दूँ तो तुम वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे। मासी ने मुझसे प्रॉमिस लिया है, अब मैं तुमसे ले रहा हूँ। ओके, प्रॉमिस, मैं बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मासी ने तुम पे भरोसा किया है, और अगर तुम मासी के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मासी ने तुम पे भरोसा किया है तो तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू। यू वेलकम। मुझे किसी को बताने से रोका है, उस आदमी का चेहरा देखने से थोड़ी मना किया है। देख के तो मैं रहूंगी, अभी प्राची को भी बिना प्रॉमिस छोड़े बता ही दूंगी। पेपर दो ना प्लीज, 10 मिनट के लिए पढ़ के फटाफट दे दूंगा मैं, प्लीज। अच्छा हेडलाइंस पढ़ के दूं, 5 मिनट में मुझे ऑफिस जाना है, प्लीज प्लीज। कर दी बड़ी मैं। हाँ, तो सबसे पहले पेपर मैं पढ़ाऊंगी। अरे, और इस घर का सबसे छोटा हूँ मैं, तो ये पेपर आपके बाद मैं पढ़ूंगा, सिंपल। मेरा पुत्र तू ही पढ़ेगा, ये तेरा बाप ना पीछे पड़ा है मेरे। चल हट, मेरे कमरे में से ले लेना आके। दीदा, लेकिन इनसे पहले मैं ले लूंगा आपसे, ओके? हाँ ले लेना, न्यूज़पेपर तू ले लेना, लेकिन उसके बाद मेरी जायदाद में से इतनी फूटी कौड़ी भी तू लेके दिखा, मान जाऊंगा मैं। कमाल है यार, वैल्यू ही नहीं है मेरी। अरे क्या बात है आलिया, आज इतनी सुबह सुबह आ गई। आई एम सो सॉरी आई हैड टू ट्रबल यू दिस अर्ली, लेकिन ये कंपनी के पेपर्स थे और मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए था। बिना तुमसे कंसल्ट किए मैं हाँ या ना नहीं कर सकती थी विक्रम, सो हियर आई एम। सुना ओ हीरो, घर पे ना सही लेकिन ऑफिस में मेरा ओपिनियन मैटर करता है। आपको पता है आज आपकी अहमियत क्यों है? क्योंकि आज चीफ नहीं है। आई एम श्योर अगर वो चीफ होते तो आपसे पूछती भी नहीं। क्यों? सुना, कद के साथ साथ इसकी जुबान भी लंबी हो गई है। क्या करो विक्रम, काटनी पड़ेगी। विक्रम स्टॉप इट ना, तुमने ही तो चालू किया था। खत्म भी मैं ही करूंगा, इससे तो एक दिन इतना बड़ा बदला लूंगा ना मैं। बेटे से कौन बदला लेता है? पता आपके लिए एक मैं नॉवल लिख सकता हूँ, खूनी बाप का बेचारा बेटा, कितनी अच्छी है। क्या हो गया, ऐसे ऐसे क्यों घूर रहे हो यार? ये ऑफिस नहीं है जहाँ पे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, ये मेरा घर है, यहाँ पे तो मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ ना, मुझे बात करने दिया करो। तो मैं भी अपने दिल की। अरे अरे अरे, वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक काम करते, यही खेलते ना, पिल्लो फाइट करते रहते हैं यहाँ पर, मैं बच्चे हैं। डू समथिंग न्यू डैड, कुछ नया लेके आओ। अगली बार है ना ये टेबल उठा के सर पे मारूंगा। जब तक आप टेबल उठाओगे ना तब तक आपकी पीठ टूट जाएगी। आई एम सो सॉरी। फिर तेरा सर टेबल पे मारूंगा या फिर कुशन में खिल्ले घड़ के मारूंगा। कहां से लाते हो तो? कहां से आते आपके दिमाग में टेबल पे सर मारूंगा, कील डालूंगा, फिर मारूंगा? व्हाट इज दिस यार डैड? हेलो, बूजी, आई वेंट टू योर रूम बट बहादुर ने कहा पे आओ। सॉरी हां, जस्ट लेट मी बी। विक्रम से खत्म कर लेते हैं, प्लीज निकल लो। कैन दिस ये यहां मुझसे मिलेंगे?
वो भी ब्यूट जी का एक्सक्यूज लेके। कल रात के लिए माफी मांगने आई होगी। आलिया हाय। हाय पल्लवी मोना। अरे इतनी सुबह सुबह, हाउ लवली। कम आलू पराठा खाओगी? अरे मैं पूछ क्यों रही हूँ, जस्ट कम हैव पराठा विद अस। हाँ मैंने गरम गरम बनाए। रिया तुम भी चलो। क्या रोना पराठा तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, चलो। कल मैं तुम्हारे कमरे में भी आया था, तुम थी नहीं। I called you also, but you did not take my calls. तुम कहाँ थे कल रात? मैं तो ऑफिस में था। ऑफिस के बाद मैंने कार निकाली, कार निकालने के बाद पांच। Don't talk to me. और मैंने क्या किया रिया? तुम मुझसे गुस्सा हो गए? Thank God तुम्हें पता चल गया कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मुझे थोड़ी और देर का ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं क्यों गुस्सा हूँ, किस बात के लिए गुस्सा हूँ, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये क्या हो रहा है ऋषि? और तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। एक्स बॉयफ्रेंड तो हो। ये क्या बोल रहे हैं ऋषि? शाना प्लीज। क्या? रुक जाओ। उसने कहा एक्स बॉयफ्रेंड, और इसका मतलब होता है जो बॉयफ्रेंड वो कभी था, और जो था उसे है मत बना। और सुनो, तुम एक्स गर्लफ्रेंड हो तो एक्स गर्लफ्रेंड की तरह ही रहो। एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करो ना। मैं जैसे भी बिहेव करूं, ऋषि को वैसा ही बिहेव करना होगा जैसा मैं चाहती हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो एक्स वाई जेड मैं कुछ भी कर सकती हूं। और तुम्हें पता है इसकी शुरुआत कहां से होगी? तुमसे। अपनी छोटी छोटी आंखों से ना मुझे डराना बंद करो। तुम जैसे को ना मैं होशियारपुर में अपने परांदे से बांध के घूमती थी। शाना, शाना प्लीज चुप रहो ना। आप राजी, वो कुछ नहीं, अपनी आंखों के सामने से ना कुछ कचरा साफ कर रही थी। स्वच्छ भारत अभियान है ना, तो सोचे सफाई अच्छे से ही कर लूं। चाची मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ तो ऋषि से मैं नहीं, तुम दूर रहो। और तुम ना जाकर अपना इलाज करवाओ। तुम जब बोलती हो ना तो ऐसा लगता है पागल खाने से उठ के आ गई हो, तो वहीं वापस चली जाओ, समझी? नाना तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। ऋषि इसने मेरा नाम लिया है, और ये मेरा नाम जब जब लेगी ना मैं इसी तरह बीच में आऊंगी। और इसको पता है ना, होशियारपुर में ना जो मेरे सामने आता ना खुद पीछे हट जाता था। और तुमने ना बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है, समझी? तुम्हारे इलाज मैं करके रहूंगी। और हाँ, अगर तुम नहीं सुधरी ना तो अपनी तरीके से तुम्हें सुधार कर रहूंगी। ओ रियली? मुझे तुम्हारे जितना टाइम नहीं लगेगा, चुटकी जितना टाइम लगेगा तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए। मेरी पलके चपकाते ही ना तुम्हारा मुंह तोड़ सकती हूँ मैं। और जब तुम अपने चेहरे से बोर हो जाना मेरे पास आ जाना, तुम्हारा ऐसा मुंह तोड़ूंगी ना कि याद रखूंगी। और मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक्चुअली मैं नहीं, हम जा रहे हैं। चलिए ऋषि। तुमने भी ना कैसी कैसी एक्स पाल रखी है। पाल रखी है? हाँ, अब हरकतें ऐसी जंगली वाली है। शाना तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सही कह रहे हो, मुझे ऐसी नहीं, मुझे होशियारपुर स्टाइल में बात करनी चाहिए थी। मतलब ये इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये तो वही आदमी है जो अंदर था प्रज्ञा के साथ। प्रज्ञा का हस्बैंड होगा। हाँ हस्बैंड ही होगा, वरना प्रज्ञा ऐसी नहीं है कि किसी और के गले लगती फिरेगी। कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही है, जरा देखू दिखता कैसा है। हेलो हरी, हाँ एक काम करना, अब फाइन डाइन रेस्टोरेंट जाके मेरी गाड़ी पिकअप करना। आप चाबी घर से लेना, रुपये गिर कीजिए। ओके टैक्सी। मारी रे, अब दिखा भी मगर दिखा ही नहीं। एक तो फोन से अपना चेहरा छुपाया हुआ था, और नजदीक आई तो गाड़ी में बैठ के निकल गए। देख के भी नहीं देख पाई उसको।
प्राची, शाना तुझसे एक बात पूछनी, सच बता। हाँ, तू ऋषि से इसलिए लड़ती रहती है ना ताकि किसी को सच पता ना चले। कैसा सच? कि ऋषि तुझे पसंद है। देख, झूठ मत बोल। मुझसे क्यों छुपा रही है? तुझे ऋषि पसंद है ना, मैंने देखा तुम लोगों को बाहर। हेलो, मैं कोई लाइक वाइक नहीं करती हूँ। और प्राची, क्या तू ऋषि की एक्स गर्लफ्रेंड की जैसे बात कर रही है? उसको भी यही लगता है। उसने हम दोनों को साथ देखा और खिचड़ी पका ली और तू रायता खिला रही। ऐसा कुछ भी नहीं हम दोनों के बीच। ठीक है, चल मैं पहुंच रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ, और सुन, जब तू कॉलेज से घर आ जाएगी ना, मुझे तुझे एक बात बतानी है। ठीक है, चल बाय। पता है तुम कितना तेज बोलती हो? मन में भी बोलोगी ना तब भी सुनाई दे जाएगा। मैंने सुना तुम्हें फोन पे बात करते हो, पर अगर तुम प्राची को ये बताने वाली हो कि जिस आदमी को तुमने घर पे देखा है वो प्राची के फादर है, तो तुम अपने रिस्क पे बताना, क्योंकि वो प्राची के फादर नहीं है। मैं जानता हूँ उस आदमी को। टैक्सी। साथ में चलोगी?